और आप, मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, सबसे बड़ी मिसाल ये, आपने टिकटॉक वाला सवाल किया है, सोशल मीडिया वाला, इसमें जो सबसे बड़ा मसला जो है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर जो इसी से जन्म लेता है, जैसे कह लें म्यूजिक, बेहयाई और इमोरालिटी, इसी से ये पैदा होता है। वेस्ट ने ये कल्चर दिया है, ऐसे ही है ना। आप जाए वेस्ट में, यूके रो रहा है, यूरोप रो रहा है, यूएसए रो रहा है, सारे रो रहे हैं, उनके पास फैमिली नहीं है, उनके यहाँ फैमिली वाला सीन ही नहीं रहा, उनकी नस्ल ही नहीं आगे चल रही, शादी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, निकाह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनका फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया, उनकी नस्ल आगे, उनके पास जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी है लेकिन वो अब रो रहे हैं कि हमारी नस्ल ही कोई नहीं है। ऐसे तो नहीं वो आपको ऑस्ट्रेलिया वाले वीज़ा दे रहे, यूके वाले वीज़ा दे रहे, आओ काम करो, उनके पास अपनी नस्ल ही कोई नहीं है। उनको भी इस बात का पता है, वो तो अल्लाह ने मोहर लगा दी है, तो वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाते कि अल्लाह सच है और अल्लाह हक है। तो अल्लाह ने जिस चीज़ से मना किया है, अल्लाह जो है उसके पास सबसे ज़्यादा जो है वो, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। आयतुल कुर्सी पढ़ते हो बार बार, ये आयत पढ़ते हो, इसका तर्जुमा भी पढ़ लो, इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो।